रेट ऑफ हीट फ्लो। कि जो हीट का फ्लो होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो रेट मतलब होता है कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में। जैसे याद करो पोटेंशियल डिफरेंस था वी टू और यहाँ पे पोटेंशियल था वी वन, तो यहाँ से करंट फ्लो करती थी। तो हम क्या बोलते थे कि जो करंट था उसका फॉर्मूला था वी टू माइनस वी वन बाय आर। ठीक है, तो ये करंट क्या लिखते थे हम लोग, आई था डी क्यू बाई डी टी, इसको छोड़ो डी क्यू बाई डी। इन द सेम वे जैसे यहां पर जब कोई चीज मान लो कहीं से मान लो कोई रॉड में जब हीट करंट फ्लो करती है, हीट करंट मतलब क्या होता है, हीट करंट का मतलब होता है हीट एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, हीट एनर्जी का फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। तो हीट एनर्जी का फ्लो करता है ना यहां से यहां पे, तो वो डिपेंड किस पे करता है, पहला डिपेंड करता है वो मेटीरियल के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे हीट करंट, तो हीट करंट एनर्जी फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम, कितना जूल फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एच डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, ये जो कितना एनर्जी फ्लो करेगा डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट करंट कैसी होगी, ज्यादा होगी ना, ज्यादा एनर्जी फ्लो करेगा, फर से बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो होगा एक सेकेंड, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है, क्या कहते हैं उसमें हीट करंट उतना ज्यादा होगा। व्हाट इज एच हियर, एच इज हीट करंट, याद रखना। तीसरा, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हीट उतनी ज्यादा फ्लो करेगी। सीधी सी बात है, देखा होगा कि तुमने मान लो कि कपड़े को सुखाते हो, फैला के सुखाते हो, तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। ठीक है, अगर तुमने उसको निचोड़ करके सुखाया, ठीक है, एरिया को तुमने घटा दिया, फैला हुआ जल्दी सूखता है, ठीक है, और क्रम्बल्ड ऐसे धीरे धीरे सूखता है। और लास्ट में वो डिपेंड करता है, ये याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है, और वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ ज्यादा होती है, जैसे देखो तुमने मान लो कोई रॉड है, ठीक है, छोटी सी रॉड है, तुमने यहां पर पकड़ी, ठीक है, तुमको गर्म नहीं लगता है, लेकिन अगर तुमने मान लो भाई लंबी सी रॉड है, सॉरी छोटी रॉड है, पकड़ोगे गर्म लगती है, लंबी रॉड को यहां से पकड़ो उतना गर्म नहीं लगता। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है वो, लेंथ के ऊपर। लेंथ अगर ज्यादा होगी तो हीट करंट कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लो, लिखो दो रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन, ये चारों पॉइंट को लिखो। ठीक है, तो ओके, सबको लिखा होगा। तो यहां से एक जरा छोटा सा फॉर्मूला लिखना आपने को, हीट करंट इट इज प्रोपोर्शनल टू, सबको मिला देंगे तो ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, एच इक्वल्स टू
यहाँ पे प्रोपोर्शन को हमने हटाया, लिखा के। के क्या होता है, मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी, तो ये ए डेल्टा टी वाई है, ठीक है। ये के क्या, यहाँ पे के एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, तीन प्रोपोर्शनल आ गए तो कांस्टेंट तो जोड़ना पड़ेगा। के इज कॉल्ड एज के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। जैसे कि अगर हमने सब कुछ सेम रखा, एक आयरन का रॉड फटाफट हीट को अपने आप से जाने देगा, ठीक है क्लियर। लेकिन वही अगर एक वुड का अगर हमने लॉग ले लिया तो हीट को धीरे धीरे जाने देगा, ठीक है। तो वाक्य क्या कहलाता है, केस कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, काम का फॉर्मूला। हो गया नोट किया हुआ, नहीं वो तभी होगा जब डेल्टा टी एल और ए को वन कर देंगे तो एच इक्वल्स टू के हो जाएगा, ठीक है। वो तुम ना डेफिनेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, देखो एच क्या है, हीट करंट है, तो इसका जूल पर सेकेंड होगा। एच का, एच हीट नहीं है, एच जूल, जूल पर सेकेंड है, ठीक है। ये वॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉट इनटू मीटर पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी हो जाएगा केल्विन, ये हो जाएगा वॉट मीटर रेस टू माइनस वन, केल्विन रेस टू माइनस वन। दिस इज ऐसा यूनिट फॉर के, थर्मल कंडक्टिविटी, नोट कर लो इसको। अगर कभी बोला जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करो, तुम कैसे डिफाइन करोगे थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल की वो वैल्यू होती है, ठीक है, जो वो अलाउ करता है हीट अपने आप से पास करने के लिए एक सेकेंड में। कंडीशन ये है कि उस कंडक्टर का एरिया वन हो, लेंथ वन हो और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा वन। मतलब कि अगर एक कंडक्टर में लिया, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अगर वन केल्विन का है या वन डिग्री का है, एरिया वन लिया, लेंथ वन लिया, ठीक है, तो भी हीट यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, मतलब सौ पास कर रही है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, वो हंड्रेड हो जाएगी। यूनिट एरिया के लिए, यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो हीट फ्लो करेगा एक सेकेंड में, उसको वो कहलाता है उस मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर कोई आड़ा तेड़ा कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर आड़ा तेड़ा कंडक्टर है, अगर हम उसकी बात करें तो छोटा सा डिफरेंस, अगर मान लो यहां से अगर हम ऐसा है और यहां से हम यहां पर जाते हैं, यहां पे हॉट है, यहां पे कोल्ड है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहां पे क्या होगी थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि हीट का फ्लो, लेकिन एच इक्वल्स टू के ए, मान लो डिफरेंस जो है ना यहां से, इसको देखे घबराना नहीं है, ठीक है, ये दूरी है, मान लो यहां से x है और हम थोड़ा सा डिस्टेंस जाते हैं dx, ठीक है, तो टेम्परेचर जाएंगे तो ऑब्वियस टेम्परेचर कम होगा ना, यहां पे अगर t टेम्परेचर है तो यहां पे कितना हो जाएगा t माइनस dt हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहां पे था मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे हो जाएगा
डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो तो हीट का फ्लो एच क्या हो जाएगा, के ए कितना हो जाएगा डिफरेंस देखो यहां पे माइनस डी टी ठीक है बाय डिस माइनस डिस ठीक है बाय डी एक्स ठीक है। वो यहां पे जो माइनस साइन लिखा है ना वो क्या दिखाता है दैट एज वी गो इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देखो है ना कैलकुलस के फॉर्म में ना हम इसको ऐसा लिखते हैं ठीक है ठीक है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी तरीके से लिखे ना हम लोग अगर तो सिंपल है के इंटू ए बाय एल ठीक है टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड एंड ठीक है ये हॉट एंड ये कोल्ड एंड थी एच कर दो ठीक है आंसर निकाल लेते। लेकिन जब कैलकुलस के फॉर्म में लिखते हैं ना तो हम इसको थोड़ा सा हम लोग को क्योंकि कैलकुलस में क्या इंटीग्रेट करना पड़ता है अगर साइन अगर प्लस कर देंगे ना तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है तो बस खाली याद कर लो के एच इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स के थर्मो कंडक्टिविटी है ए एरिया डी टी क्या टेम्परेचर डिफरेंस है डी एक्स क्या लेंथ डिफरेंस है। और इस पूरे को कभी कभी हम लोग प्यार से बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट ठीक है और ये माइनस साइन को लिख दो वहां ठीक है माइनस साइन इंडिकेट That as we go in direction of heat current temperature decreases ठीक है उसको नोट कर लो फटाफट जब तुम 12th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे ना सेम टू सेम चीज वहां पे रिपीट करेगी देखना कुछ किताबों में ऐसा भी लिखते हैं वो लोग यहां पे क्या कहते हैं टी प्लस ऐसा लिख देते हैं ठीक है और सब कुछ सेम रहेगा और लिख देंगे कि डी टी इज नेगेटिव बिकॉज एज वी द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग तो वहां पे माइनस साइन लगा देते हैं ठीक है ये माइनस साइन को ना दिमाग पे बैठा देना अच्छे सवाल जब करोगे ना तो वहां पे नेगेटिव साइन का इम्पोर्टेंस आता है वहां पे बहुत ज्यादा। और अगर हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं ना तब तो हमको अंदाज से समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ वहां से यहाँ ऐसा ठीक है ना तुमने क्या सीखा के ए बाय एल टी एच माइनस टी सी इक्वल्स टू एच हीट करेंट ठीक है चलो सर मेरे को इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो 100 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस है एक रॉड है इसके लिए के हमको दिया गया है 20 वाट पर केल्विन पर मीटर तो बताना एरिया इसका दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमको बताओ यहाँ पे एच क्या होगा सबको सॉल्व करो फटाफट जल्दी से सॉल्व करो इसको सबको आंसर दोगे लेंथ ले लो 1 मीटर
टू है ठीक है, एक बार डेसिमल भी चेक कर लो ठीक है। बाकी लोग भी तो आंसर ए हो जाएगा 20 इंटू एरिया हो जाएगा 10^-4 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 100 भाई। लेंथ हो जाएगा, लेंथ 1 मीटर दिया गया है, ए ये हमारा हो जाएगा 0.2। हाँ कोई कोई नहीं, उसको सही कर दो 0.2। एच निकालना है ना, वॉट जूल पर सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करो, ये पॉइंट ए है जिसकी दूरी यहां से है 40 सेंटीमीटर, ए की दूरी, बताओ तो ए का टेम्परेचर क्या होगा? सबको सोचो, ए की दूरी है हॉट बॉडी से 40 सेंटीमीटर, बताओ ए का टेम्परेचर क्या होगा? कोई आइडिया चलाओ, दिमाग चलाओ। जीरो पॉइंट जीरो फाइव ए का टेम्परेचर पूछ रहा हूं मैं रचित, वॉट पे नहीं लिखोगे? ऑब्वियसली बात है, ये 100 है, यहां पे 0 है, तो कुछ टेम्परेचर यहां पे अलग अलग पढ़ के टेम्परेचर अलग अलग होगा ना। देखो पूरी रॉड में जो हीट करंट होगी सेम होगी ठीक है, मतलब यहां से यहां से यहां से हीट करंट कैसी फ्लो करेगी? सेम करेगी ठीक है, समझ? वेरी गुड। अगर हीट करंट सेम फ्लो करेगी तो याद रखना, अगर मैं यहां से हीट करंट देखो तो मैं हीट करंट क्या ले सकता हूं? के इंटू एरिया ए, यहां पे टेम्परेचर मान लो टी है, टी माइनस जीरो, यहां से कितना हीट करंट फ्लो करेगा? टी माइनस जीरो अपॉन ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी ना। 0.6 इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना, के इंटू ए इंटू 100/1, यही तो हो जाएगा ना, के कट जाएगा ना, तो टी क्या हो जाएगा हमारा? 60°C। तुमने क्या कंसेप्ट यहां पर यूज किया है कि भले अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है लेकिन जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना वो सेम रहता है ठीक है। तुम यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल सकते हो ना। आई सबको बात समझ में? तुम्हें कोई भी अनजान पॉइंट यहां पे दे दिया जाए ठीक है, तुम उस पॉइंट का यहां से टेम्परेचर को इजिली अच्छा प्रॉपर मेथड ये होगा ठीक है। अच्छा ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी पॉइंट का यहाँ पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं ठीक है। और एक सब बेटर होगा इस मेथड को फॉलो करोगे ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम किसी का भी वहां पे निकाल सकते हो ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए ना तो एक चीज, एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं मैं, लास्ट पॉइंट क्या है
कि अगर हमको कोई पॉइंट का टेम्परेचर निकालने बोला जाएगा, ठीक है, मान लो टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट एक्स कैसे निकलेगा, इसका जनरल तरीका क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है के ए टी माइनस बाय एल, ठीक है, इक्वल्स टू टी एच हॉट एंड टी सी कोल्ड एंड अपॉन एल क्या होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वल्स टू के ए टी एक्स माइनस एक्स, ठीक है, फिर एक्स यहां पे लिखा हुआ है इट डिस्टेंस फ्रॉम कोल्ड एंड, ठीक है, कोल्ड एंड में यहां से सुनना कहां से लिखा, कोल्ड एंड से लिखा बाय, ठीक है, एक्स माइनस टी एल, ठीक है, यहां पे क्या है, मैं की रही बात, इस तरीके से हमको अगर टी एच पता है, टी एल पता है, हमको टी एक्स निकालने के लिए बोला जाए और हमको अगर दूरी एक्स पता हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला ही रेडी हो जाएगा निकालने के लिए। इसको नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहा, जो मैंने सम सॉल्व किया उसी को रिपीट करो, यहाँ ये के ए कट जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे एक मिनट, अगर यहाँ पे अगर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सॉरी अगर हॉट एंड लिखा हो ना, जैसे कि किताबों में ना हॉट एंड लिखा जाता है क्योंकि हमेशा डिस्टेंस को जो है ना हॉट एंड से नापा जाता है, तो अगर ये एक्स यहां से यहां पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ एल माइनस एक्स, बिल्कुल वही किताब कहानी जो मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसको तुम निकाल सकते हो, टी एक्स निकालने बोला जाए तो निकाल सकते हैं, एल से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा टी एच इंटू एल, तो ये हो जाएगा माइनस टी एल प्लस टी एल टी एक्स इंटू एल माइनस टी एल इंटू, ठीक है, यहां से अगर हम टी एक्स निकालने बैठे, ये टी एक्स है, तो कुछ कुछ कटता तो कटता काट दो, देखो तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने एल टी एच को सब्जेक्ट बनाना, टी एक्स को बनाना सब्जेक्ट है, ठीक है, तो टी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, टी एक्स को बनाना सब्जेक्ट है अगर, तो टी एक्स क्या हो जाएगा, सबको एल से डिवाइड कर दो, टी एच माइनस टी एच एक्स बाय एल प्लस टी एल, प्लस टी एल, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ये क्या कहते हैं टी एक्स, टी एच कॉमन ले लेंगे अपने सर, टी एल इंटू एल तो कट चुका ना, टी एल इंटू एक्स होगा ना, एक टी एल इंटू एल माइनस टी एल माइनस एक्स प्लस टी एल एक्स, यहाँ पे माइनस टी एल, यहाँ पे एक बार यहाँ पे हो जाएगा टी एच इंटू एल माइनस टी एच इंटू एक्स, ठीक है, एक तो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा माइनस टी एल, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है, टी एल इंटू एल, ठीक है, किया
प्लस टीएल इंटू एक्स बराबर है, ठीक है, ये तो कट गया टीएल इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी एक्स बाय एल होगा, हाँ यहाँ पर अगर x कॉमन ले लो, ठीक है, TL माइनस सर L उधर से भी डिवाइड होगा ना, TL x बाय L होगा, x बाय, हाँ बराबर है x बाय L, ठीक है, यहाँ पे x बाय L हो जाएगा, तो यहाँ पे TL माइनस TH, ठीक है, TL माइनस TH प्लस TH, ठीक है, ये हमारा हो जाता है, एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ माइनस साइन करके लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर लिखते थे इसमें हमेशा फॉर्मेट में हम लोग, TH माइनस TL ऐसा लिखते, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर टेनिंग इंस्टेंट हम निकाल सकते हैं, इसमें इसको निकालने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका कहाँ पे देखो सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर, देख लो मेंस में कभी सवाल पूछ सकते हैं तुमसे कि ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, चार ऑप्शन दे देंगे, देख सकते हो टेम्परेचर हमने दिखा दिया वाई एक्सिस पे, और ये हमने x एक्सिस पे क्या दिखा दिया, x को दिखा दिया, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस c है, ये कांस्टेंट हो गया, c हो गया पॉजिटिव इंटरसेप्ट th, ठीक है, और हमारा स्लोप कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और स्लोप जो नेगेटिव आएगा, ठीक है, देख सकते हो ना ये y को, ये कौन से फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c क्या है, टी एच है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ठीक है, m कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। अच्छा और एक चीज देखो कि यहाँ पे कि जो टेम्परेचर हाई पॉइंट का कितना होगा, टी एच होगा, और लो पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, टी एल होगा, ग्राफ यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। और तुमको मैं जो इतना तुमको समझाया ना, मैंने तुमको ये समझा रहा हूं कि देखो टेम्परेचर कैसे लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, दिस ग्राफ तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज फॉर नीट, क्लियर हो गया सबको, ठीक है, तो सबको फटाफट नोट कर लो, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक अनस्टेडी स्टेट समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्टीफेंस लॉ ये सब लॉ सब है, ठीक है। और एक काम करो ना मेरे को, तुम लोग जो है ना एक मेरे को जरा टाइम सजेस्ट करो ना, ठीक है, जिसमें कि तुम लोग का जो IIT का एडवांस का मैं तुम लोग को लेक्चर ले सकूं, ठीक है, क्योंकि देखो पता है देखो होता क्या डिफरेंस यहाँ पे नीट का और IIT में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, तो मैं पहले जो पढ़ाता हूँ ना तुम लोग को बोर्ड का और नीट का पढ़ाता हूँ, ठीक है, और नीट के लिए मैं नीट की मॉड्यूल को फॉलो करूंगा, वो नीट का IIT को आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों अलग चीज है, ठीक है, नीट का और मेंस का क्या होता है थोड़ा बेस हो जाता है जो कि हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, बाकी जब एडवांस की बात आती है ना तो मेरे को एडवांस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेरे को एडवांस वालों के लिए अलग से क्लियर करवाने पड़ेंगे, तो तुम अगर मेरे को एक जो भी टाइम है ना मेरे को एक बता दो, ठीक है, मंडे को, ठीक है, कब मैं तुम लोगों को करवा सकता हूँ, और वेंसडे को मैं तुम लोगों को कब करवा सकता हूँ, ठीक है, तुम लोग एक बार खुद से टाइम डिस्कस कर लो एक बार, ठीक है, और जरा मुझे टाइम सजेस्ट कर देना, क्लियर।